आज मैं बना रही हूँ पालक और आलू की सब्जी। ये मैं 250 ग्राम पालक ले ली हूँ और इसे पानी से वॉश करके कटिंग कर ली हूँ। और साथ में लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ का आलू और इसे भी मैं छील के वॉश कर ली हूँ। अब मैं इसे कट कर ले रही हूँ। इस आलू को मैं बड़े बड़े पीसेज में कट कर लूँगी, इसे मैं छोटा नहीं करूँगी। और इसी तरीके से मैं सारा आलू को कट कर लूँगी। और साथ में मैंने लिया है 4 हरी मिर्च और इस हरी मिर्च को भी कट कर ले रही हूँ। अगर आपके पास हरी मिर्च नहीं है तो आप सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन कर दी हूँ और इस पे चढ़ा दी हूँ एक कढ़ाई। और इस कढ़ाई में रख दूँगी मस्टर्ड ऑयल और ये मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया है। साथ में रख दे रही हूँ थोड़ा सा जीरा, 1/2 टेबल स्पून। और इसमें जो मैं मिर्ची कट करके रखी थी, अब मैं इसमें मिर्ची ऐड कर दे रही हूँ। ये मिर्ची मैं साइड में रख दे रही हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी ओनियन। ये मैं स्मॉल साइज़ का ओनियन ली थी और मैं इसे कट करके रख ली थी। और इसे भी चला के 10 सेकेंड तक भून लूँगी। और इसी में ऐड कर दूँगी कटा हुआ आलू। और इस आलू को मैं ऐड कर दी हूँ और इस आलू को मैं चला के करीबन 5 से 10 सेकेंड तक इसे फ्राई कर लूँगी। इसे अभी ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी और इसे मैं एक तरफ कर दूँगी साइड। और एक तरफ मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ पालक जो मैं कट करके रखे थे। इस आलू को मैं साइड में कर दी हूँ। अब मैं इसमें पालक ऐड कर दे रही हूँ। ये मैं पालक ऐड कर दे रही हूँ सारा और ये पालक मैंने रख दिया है। अब मैं इस पालक को मिक्स करके चला लूँगी। और मैं ये जो आलू को साइड में करी थी, ये भी फ्राई हो गया है, हल्का सुनहरा हो गया है। और मैं इस आलू को इस पालक में ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चुटकी के बराबर जितना रखूँगी हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून रखूँगी इसमें मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून इसमें डालूँगी धनिया पाउडर। मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ये मैं रख दी हूँ और इसमें साथ में ही रख दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आप अपने हिसाब से रखें, जिस हिसाब से खाना पसंद करते हैं। और इसमें 1 चुटकी के बराबर रखूँगी गरम मसाला। गरम मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करना है। ये मैंने सारा मसाला रख दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मैं इसे सूखा ही बना रही हूँ रोटी में खाने के लिए, तो मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सूखा ही बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक के करीबन 4 से 5 मिनट के लिए ढक दूँगी मीडियम फ्लेम पे, ताकि अच्छे से पक जाए। और ये 5 से 6 मिनट हो गया है और ये सब्जी बनके हो गया है रेडी। अगर आप आलू और पालक इस तरीके से बनाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए, ये मस्त लगता है पराठा के साथ खाने में, या फिर आप बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे को भी पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम ऑयली है और कम मसाला वाला है। आप एक बार ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।